नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में नौकरी का पिटारा एक बार फिर से खुलने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांधी मैदान में एक भव्य आयोजन किया जाने वाला है और इस गांधी मैदान में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा जाने वाला है। नियुक्ति पत्र सीएम नीतीश कुमार बांटेंगे और लगभग 10,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र इस दौरान दिया जाएगा, जिसका गवाह गांधी मैदान बनेगा और इस दृश्य को पूरा बिहार देखेगा। आप जानते हैं कि महागठबंधन सरकार की जो प्राथमिकता है वो युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है और इस दिशा में लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव जरूर है, लेकिन इस बीच भी युवाओं के रोजगार और नौकरी का ख्याल सरकार द्वारा रखा जा रहा है और यही कारण है कि गांधी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किस तारीख को होगा वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आयोजन किया जाने वाला है और इसी दौरान बिहार के सर्जेंट दरोगा जितने भी हैं इन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10,000 से अधिक नव चयनित दरोगा सार्जेंट और सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पटना के गांधी मैदान में इसके लिए 16 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण के इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। गांधी मैदान में इस बड़े समारोह में बिहार सरकार के कई अन्य मंत्री और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बिहार पुलिस में दरोगा सार्जेंट और सिपाही के पद पर हाल ही में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। दरोगा और सार्जेंट की 2,213 और सिपाही के पद पर 8,246 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों के दस्तावेज के साथ उनका मेडिकल जांच किया जाना था। रेंज और जिलावार ये कार्यक्रम पूरा हो चुका है। डीजीपी एस के सिंघल और एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने पुलिस मुख्यालय की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर अफसरों के साथ चर्चा की। तैयारियों का जो जायजा होता है, जो बातचीत होती है, उसके दौरान समझा कि किस प्रकार तैयारी चल रही है। पटना के रेंज आईजी राकेश राठी और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो भी इस दौरान मौजूद रहे। तो लगातार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद रोजगार और नौकरी प्राथमिकता भी है और ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती भी है। और विपक्ष, चूंकि बीजेपी बिहार में खड़ी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरने के लिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था और वादे पर अगर खड़े नहीं उतरते हैं तो विपक्ष तो घेरेगा ही, बिहार की जनता भी बहुत नाराज हो जाएगी। अब ऐसे में बिहार के युवाओं को चाहे तो खुश करने के लिए कहें या फिर कहें कि सच में बिहार के युवाओं के बारे में सरकार सोचने लगी है, क्योंकि अब नियुक्ति पत्र एक के बाद एक बांटे जा रहे हैं, वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, बहालियां निकाली जा रही हैं, हर विभाग में तत्परता से काम किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का साफ निर्देश है कि बिहार के युवाओं से हमने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करना है। तो वही नीतीश कुमार भी कदम से कदम मिलाते हुए इस बयान के साथ चलते हुए दिखाई दिए, जब उन्होंने गांधी मैदान से ऐलान किया कि वो बिहार में 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, यानी कि कुल 20 लाख युवाओं की जिंदगी को पटरी पर लाकर खड़ा करेंगे। और उसी ऐलान के बाद अब गांधी मैदान में ही यह आयोजन किया जाना है। 16 नवंबर को यह आयोजन होगा और इस आयोजन में बिहार के सर्जेंट, दरोगा और सिपाहियों के पद पर जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और इसी प्रकार से आगे भी नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला और वैकेंसीज निकालने का सिलसिला जो है बिहार में जारी रहने वाला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।